सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र अर्थात केवीके एक ऐसा केंद्र है जहां पे हमारे किसान भाई अपनी खेती के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख उद्देश्य, पहला तकनीक मूल्यांकन करना, इसमें सुधार करना और नई तकनीकों का या उत्पादों का प्रदर्शन करना। दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर कृषि तकनीक का विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत खेतों में प्रदर्शन करना। तीसरा, खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के द्वारा नई तकनीक की उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन करना। जन जन की भागीदारी, हर जन की हिस्सेदारी। ज्ञान और प्रशिक्षण और रोजगार की त्रिवेणी के लिए किसानों की आशाओं का प्रतीक कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसा ही एक कृषक हितकारी स्थल उत्तर प्रदेश के जिला बागपत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पूरे क्षेत्र में अपनी साख जमाई ये केंद्र किसानों की हर समस्या का समाधान लिए है। हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ने के ऊपर निर्भर है, गन्ने की फसल के, और हम ये चाहें हमारे यहाँ एक 23 बीज है, उसे मील भी मैंने करना क्या आगे उसकी पैदावार भी बोर्ड हो जा तो पेटी नहीं होती। हमें हमारी ज़मीन की जांच करके और हमें कोई नया बीज ऐसा आ जाए जो हमारे क्षेत्र पर हमारी उसमें, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, पैदावार अधिक चाहें, अधिक ना होगी तो पूरा निपटने का। रही बात प्रजाति विशेष की, जिसमें कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे पास गन्ना विभाग है। आप गन्ना विभाग, जिला गन्ना अधिकारी यहाँ बैठते हैं, शुगर मिल कॉम्प्लेक्स में उनका कार्यालय है, आप वहाँ जाइए। उनके जो बीज उत्पादक है, गन्ना बीज उत्पादक किसान है, वो गन्ना शोध केंद्र से नई नई प्रजातियाँ हर साल लाते हैं, हर साल बीज बनाते हैं और वो बीज गन्ना विभाग की तरफ से किसानों को दिया जाता है। इसका समाधान इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे जी आप डॉक्टर साहब ने मिट्टी टेस्ट की प्रयोगशाला के बारे में तो जिक्र करा जी, लेकिन खेती के साथ साथ हमें पशुपालन भी ज़रूरी है जी। उसमें हमारी जो भैंस हैं या गाय हैं उनके थन ज़्यादा बहुत ज़्यादातर खराब होते जा रहे हैं जी, तो उनका दूध टेस्ट करने के लिए मतलब उनकी भी ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए जो उनके दूध टेस्ट करके उन्हें बता दे कि उसमें कौन सी बीमारी है और उससे हमें पता चल जाए, उसका सही ट्रीटमेंट हो जाए जी। यहाँ उनके दूध टेस्ट करने की कोई भी ऐसी बीमारी वो प्रयोगशाला नहीं है जी, जिससे हमें उसे उसका सही पता लग जाए जी। अगर पशु की कोई समस्या है, बीमारी की समस्या है, तो जनपद बागपत के हर विकास खंड में वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध हैं पशुपालन विभाग की तरफ से, और वो सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक उनका जो है ऑफिस, वहाँ पे अपने कार्यालय में बैठते हैं और पशुओं की समस्या का निदान करते हैं, उन्हें देखते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो हमारे बराबर में करनाल में NDRI है, वहाँ जाके आप वैज्ञानिकों से संपर्क करके उसका निदान कर सकते हैं। मथुरा में वेटनरी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ के वैज्ञानिकों से भी इसका समाधान कर सकते हैं। वैक्सीन, एनिमल वैक्सीन का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से खुला है, जो कलेक्ट्रेट के बराबर में है, चौधरी चरण सिंह नेशनल हेल्थ एनिमल इंस्टीट्यूट। हाँ, ये जो भी वैक्सीन बनती हैं वो यहाँ टेस्ट होती है और यहाँ टेस्ट होने के बाद ही फिर वो जो है इस्तेमाल के लिए भेजी जाती हैं। हमारा सवाल ये है जी, जैसा दान है लास्ट में आके शुरू से हम उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, पानी की भी दिक्कत रहती है, उसके बाद में जो दवा है हम गेट डालते हैं, जैसे पूछते हैं डॉक्टर से भी क्या दवा डाल ली जाए, उसमें जो दवा डालते हैं उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। इसका समाधान केवल बीज शोधन ही है। जब आप धान की नर्सरी डाल रहे हैं उस समय इसका बीज आप शोधित करिए, शोधित करने के बाद जो है आप उसको लगाइए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसके बाद जब नर्सरी आपने लगा दी और फिर उसकी रोपाई कर दी, रोपाई के बाद फिर इसका कोई समाधान नहीं है। नीलगाय और जंगली सुअर इस क्षेत्र में इतने हो गए हैं कि कितना भी हम काम कर लेते सबका तहस नहस कर देते हैं जी।
यदि इसका समस्या को समाधान आपके पास हो तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक नील गायों का प्रश्न है, नील गायों की रोकथाम और उनको मारने के लिए समय समय पर शासनादेश जारी हुए हैं और इसमें अधिकारियों को अधिकार मिले हैं, आप उनसे लाइसेंस लेकर के और उनकी रोकथाम कर सकते हैं। छोटी जोत के किसान मुझे अक्सर ये बताते हैं कि जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो आवश्यकता इस बात की है कि छोटी जोत के किसानों को भी योजनाओं की जानकारी हो, मृदा परीक्षण की जानकारी हो और जो समय समय पर योजनाएं सरकार की ओर से लागू की जाती हैं उनका लाभ उन तक पहुँचने के लिए उनको ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम के स्तर पर संगोष्ठी करके वार्ता करके उनको जानकारी दी जाए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर गजेंद्र पाल अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले विषय विशेषज्ञों और उच्च अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा करते हैं और फिर देते हैं नेक सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मैंडेट के ऊपर काम कर रहा है। पहला, किसानों को प्रशिक्षण देना, दूसरे, किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित करना, तीसरे, जो जनपद स्तरीय विभिन्न विभाग हैं उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और वोकेशनल ट्रेनिंग। किसान भाई जो भी यहाँ खेती कर रहे हैं उसकी तकनीकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र मुहैया करा रहा है। जनपद बागपत मुख्यतः गन्ना बाहुल जनपद है और गन्ने की पैदावार में इसका प्रदेश में प्रथम स्थान है, गेहूँ उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। वर्तमान में पानी की समस्या को देखते हुए गन्ने का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और उसका रिप्लेसमेंट अरहर या दूसरी फसलें ले रही हैं। सब्जियों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बागवानी का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसान भाई इस तरीके से गन्ने इसकी खेती इस तरीके से कर रहे हैं कि वो फार्मिंग सिस्टम को अपना कर विभिन्न क्रॉप को गन्ने के विकल्प के रूप में लेना चाह रहे हैं और उससे उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। केमिकल कंट्रोल में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, बायो कंट्रोल में बावेरिया बेसियाना से कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन वो भी अभी पर्याप्त रिजल्ट नहीं दे पा रहा है और इसकी काफ़ी वाइट ग्रब की काफ़ी समस्या किसान जो है बता रहे हैं। दूसरे किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन कर पर भी काफ़ी जोर दे रहे हैं, विशेष रूप से हरियाणा से लगा होने के कारण मुर्रा भैंस यहाँ काफ़ी प्रचलित हैं जो अच्छा दूध उत्पादन कर रही हैं और दिल्ली में इसकी काफ़ी अच्छी सप्लाई होने के कारण किसानों को अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। गन्ने की समस्याओं को देखते हुए किसान भाइयों ने इसका एरिया दूसरी फसलों में डाइवर्ट करना शुरू किया है। पहले धान बहुत कम होता था, अब धान विशेष रूप से बासमती धान की खेती पर भी किसान जा रहे हैं और बासमती धान की खेती से उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त खरीफ में अरहर का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है, वो ये केवल गन्ने को ही रिप्लेस कर रहा है। गन्ने की जो समस्या है एक रेट मिलने की है, दूसरे जो है उसकी सप्लाई की समस्या है, इससे किसान जो है दूसरी फसलों को लेने के लिए अपना क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इससे पहले की बनता बिगड़ता मौसम खेत पर अपना असर दिखाए किसानों तक SMS यानी लघु कृषि संदेश द्वारा सचेत कराती सूचना जा पहुंचती है। ये KV के साइंटिस्ट का जो है इंटरेक्शन किसानों के साथ निरंतर बना हुआ है। किसान हम लोगों के यहाँ आते रहते हैं, हम उनके यहाँ जाते रहते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम है कई बार वो प्रॉब्लम लेके आते हैं और हमारा जो रूटीन कार्यक्रम है उसके माध्यम से तो हम लोग उनसे मिलते ही रहते हैं। और हम लोग एक्सटेंशन पार्ट की तरफ से जो काम कर रहे हैं उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है टेक्नोलॉजी असिस्मेंट एंड रिफाइनमेंट, उसमें क्या है जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन लेवल पे या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जनरेट हुई है उसको लोकल सिचुएशन के हिसाब से अगर उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरी है तो उसमें मॉडिफाइड करते हैं, पहले असिस्ट करते हैं फिर मॉडिफाइड करते हैं रिफाइनमेंट करते हैं और उसके बाद लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो उसमें मॉडिफिकेशन होता है किसानों के लिए यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा कार्यक्रम है फ्रंटियर डेमोंस्ट्रेशन का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो ऑलरेडी प्रून टेक्नोलॉजी है
उनको हम फील्ड डिमोस्ट्रेशन के माध्यम से जो है किसानों के यहाँ तक पहुँचाते हैं और बाद में जो है उनका फीडबैक लेते हैं, उसका रिजल्ट लेते हैं, उसके रिजल्ट को सर्कुलेट करते हैं किसानों के बीच में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी, ताकि उस टेक्नोलॉजी को फर्दर डिमोस्ट्रेट किया जा सके। क्योंकि हमारा लिमिटेड है, हम लोग एक साल में 10 20 50 डिमोस्ट्रेशन कर पाते हैं, जनपद बहुत बड़ा है, तो उसको हम उसके रिजल्ट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, एनजीओ के लिए सर्कुलेट भी करते हैं। उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों का स्किल डेवलपमेंट हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हो और लर्निंग बाय डूइंग एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटेंशन में, उसके माध्यम से हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे करा के भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई स्प्रे मशीन हमको यूज करनी है या कोई रोटावेटर यूज करना है या कोई और इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग है, तो उसमें उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, लेबोरेटरी ओरिएंटेड नॉलेज देते हैं और उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं। तीनों का हमारा मिला जुला संगम है। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप किए हैं मोबाइल मैसेजिंग सर्विस का, तो उसमें क्या है, प्रति मंथ करीब 2-2.5 हज़ार के करीब किसानों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है। हम हर 15वें 20वें दिन जो है मैसेज करते हैं मोबाइल के माध्यम से। मेरा मतलब ये है, हर 15वें 20वें दिन जो सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड है किसानों की, उसको हम सर्कुलेट करते रहते हैं मोबाइल मैसेजिंग सर्विस के माध्यम से। इसके अलावा जो मार्केटिंग ट्रेंड भी कई बार किसान हमसे पूछते हैं, जी किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, क्या मैं इसको लगा दूँ या कितना मेरे को बेनिफिट होगा। उसके अलावा वेदर फोरकास्ट भी जो हम अपने लेवल पे, क्योंकि एक हमारा इन्फॉर्मेशन हमको हेडक्वार्टर से मिलती है, हमारे यहाँ लेबोरेटरी है मोदीपुरम में हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से जो हमको फीडबैक मिलता है उसके अनुसार हम जो मोबाइल मैसेजिंग सर्विस के माध्यम से वेदर फोरकास्ट भी हम लोग करते हैं। केंद्र के विशेषज्ञ जागरूक हैं और किसानों को सही बीज उपचार और बुआई के तरीके बताने में कोई कोताही नहीं बरतते। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के यहाँ जा जाकर बीज उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को बताया जाता है भाई किस तरह से आप अपना बीज उत्पादन कर सकते हैं, कहाँ से आपको समय पे जो जो हमारा स्रोत है, स्रोत एक अच्छा स्रोत जहाँ से हम बीज लेकर के अपने लिए बीज पैदा कर सकते हैं या व्यावसायिक खेती के लिए भी बीज उत्पादन किया जा सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय बीज निगम है या उत्तर प्रदेश बीज निगम है या हमारी कृषि यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हमारा, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के दूसरे संस्थान है, पूसा में आया रही है और उसका रीजनल रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय संस्थान जो करनाल में है, यहाँ से किसान अपने लिए जो है बीज उत्पादन के अंतर्गत बीज जो बीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ये कहा जाता है कि अगर बीज ही ख़राब है तो उसमें बाकी जो कृषि निवेश है हमारा वो व्यर्थ है। अगर बीज खराब है तो किसान की पहली जो भूमि के बाद में पहली जो आवश्यकता कृषि निवेश की है वो बीज की है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ से, बिल्कुल एक अच्छे स्रोत से बीज लीजिए और अच्छे स्रोत से बीज लेने के बाद में जो उसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उसके आधार पर बीज को बुआई करिए। बीज को बुआई करने के बाद में समय पर उसका जो भी उसमें प्रक्रिया होती है, जैसे रोगिंग है उसमें, जिसको हम बोलते हैं वासनीय पौधों को निकालना, समय पर उसका इंस्पेक्शन कराना, बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो है उसका इंस्पेक्शन कराया जाना चाहिए। और वो लोग आते हैं अपना बीज उत्पादन के लिए जो है जो हर ज़िले में उनका एक टारगेट है, और वो चाहे कृषि विज्ञान के माध्यम से हो, कृषि विज्ञान केंद्र के, चाहे कृषि विभाग के माध्यम से हो, चाहे अपनी संस्था के माध्यम से हो, वो लोग किसान के यहाँ जाते हैं और प्रमाणीकरण उसका करते हैं। देन उसके बाद हार्वेस्टिंग से पहले उनकी जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं, 2 या 3, जैसे गेहूं में, धान में बात करें तो 3-3 इंस्पेक्शन होते हैं, सरसों में भी इसी तरह से होता है। तो उसके बाद किसान जो है हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले ये सब प्रक्रियाएं पूरी कर लेता है और किसान को अवगत करा देता है कि अब आपका जो है बीज फील्ड जो है, जो हमारा बीज क्षेत्र है उसमें ये कमियाँ हैं, तो उसको दूर कर लीजिए, दूर कीजिए। उसके बाद दूर करने के बाद में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग पे जाने से पहले उसकी कटाई के समय में ध्यान देने की आवश्यकता है कि मशीनरी किस तरह की यूज़ करना है और हार्वेस्टिंग के समय मशीनरी ऐसी इस तरह की हो कि उसमें किसी भी तरह का मिश्रण ना हो, दूसरी फसल के लिए जो है कहीं पे अगर कटाई करके आया तो बीज की यहाँ हार्वेस्टिंग करने से पहले उसको मशीन को साफ़ सुथरी कर ले ताकि उसमें किस तरह का मिक्सचर हो। जहाँ तक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का सवाल है वो लगभग सैचुरेट हो रही है, हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो जरिया बचा हुआ वो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का। अगर हम जो नुकसान होने वाला है कीड़े बीमारी से, अन्य चीज़ों से 25-30% अगर नुकसान हो रहा है, यदि उसको बचा लिया जाए तो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, मीन्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम एडिशन कर सकते हैं। अगर इस जनपद की हम बात करें सर, यहाँ पर इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है, पूरे साल खेत बिजी रहते हैं, पूरे साल फसलें होती हैं, इसी के चलते हुए यहाँ पर कीड़े बीमारियों की समस्या ज़्यादा होती है। उसके बचाव के लिए हम लोग ज़्यादातर रिकमेंडेशन करते हैं कि सेफर पेस्टिसाइड्स और बायोजेंट्स
उपयोग किए जाएँ, क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनसे होने वाली हानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। पर्यावरण है, लाभकारी जीव हैं, उनके रेजिडुअल टॉक्सिसिटी है, फूड में उनके रेजिड्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि बायोजेंट्स का और सेफर केमिकल्स का उपयोग किया जाए। इसी को देखते हुए हम किसानों को ये सब सूचनाएं, जो हमारे विभिन्न तरीके हैं, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है, ट्रेनिंग गोष्ठी जो माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र के, उन्हीं के द्वारा हम ये जानकारी फैलाते हैं। यदि मैं राइस की बात करूँ, इस सीज़न में राइस धान हमारे यहाँ की खरीफ की मुख्य फसल है और धान में बहुत सारे कीड़े बीमारी शुरू से लगा करके अंत तक आते हैं। देखने में आया है कि किसान भाई जो है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी जांच के बाद में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें। जीवांश कार्बन की हमारी खेत में कमी हो चुकी है। हमारे जनपद को जीवांश कार्बन का औसत 0.2% है, जबकि इसका मानक 0.8% होना चाहिए। इसके लिए किसान अपनी गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। यदि गोबर की खाद नहीं है तो केंचुए, वर्मी कंपोस्ट की, नैडअप कंपोस्ट विधि से जो भी खाद किसान ने तैयार कराया गया है उसका अवश्य प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि इस खाद को खेत में डालने से केंचुआ खेत में स्वतः ही पैदा हो जाता है, जो हमारी ज़मीन को कुरेदने का काम करता है और साथ ही साथ में हमारी ज़मीन को फर्टाइल करता है। केंचुए के प्रयोग से जहाँ हमारी खेती ऊसर की ओर जा रही थी और हमारी खेती आज पैदावार में बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो भी पैदावार इससे हम ले रहे हैं, आज मैं ही नहीं हमारे गांव के अन्य किसान भी इसकी ओर प्रेरित हैं और लगातार एक एक दो दो बैठ करके और किसान भी इसको अपना रहे हैं। फसल में सफलता की कटाई और साथ में आय कराती बागवानी, कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में भी आपका मददगार है। हमारी यूनिट जनपद में बनी हुई है, एक हमारी यूनिट औद्यानिक सचल दल इकाई के नाम से पिलाना में है, एक औद्यानिक सचल दल इकाई के नाम से बड़ोत में है, एक औद्यानिक सचल दल इकाई के नाम से आपके बागपत में है, और वो सभी इंस्पेक्टर जो भी किसानों की कंप्लेंट होती है वो उसको खेत पर जाते हैं, खेत पर जाने के बाद में उसको पूर्ण करते हैं। यदि वो समस्या उनसे दूर नहीं होती, उसके लिए हम लोग जिले पर बैठे हुए हैं, हम हैं जिला उद्यान अधिकारी हैं, या हमसे भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कैश नहीं कर पाते, तो आपके यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र बना है, उसके वैज्ञानिकों की भी हम लोग सलाह लेते हैं, उन्हें ले जा कर के किसानों के खेत पर जाते हैं और किसानों की समस्या का निपटारा करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ आपका आम और अमरूद और आपके आंवले का अभी हम लोगों ने प्लांटेशन करा है। एक हमारे यहाँ योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत हमने प्लांटेशन उसमें करा है और हमने किसानों को गड्ढे खोदने से लेकर के पेड़ लगाने तक की सभी तकनीकी जानकारियाँ हमने किसानों को दी। मैं किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो उन्होंने प्लांटेशन किया है आम का, अमरूद का, आंवले का, उसमें आने वाले समय में सर्दी के समय में जिस समय मेनली कोहरा पड़ता है और विशेष रूप से आम के पौधों के लिए वो फूस के झुंपे ज़रूर उस तैयार कर लें और पौधों की लगातार सिंचाई कर दें, जिससे पौधों को जो है पाले और अन्य जो हमारे मौसम के इफ़ेक्ट हैं उनसे बचाया जा सके। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि खाद आप तरीके से दें, क्योंकि ये एक संतुलित बैलेंस डाइट है पौधे की, आम में विशेष रूप से, और चूँकि आम थोड़ा नाजुक है, इसमें रफ टफ फसल नहीं है, विशेष रूप से इसको पाले से बचाना है और इसको खाद की सही मात्रा देनी है, और किसी भी कीड़े या बीमारी के संबंध में यदि किसान भाई को कोई प्रॉब्लम आती है वो हमारे उद्यान भवन में आकर के हम लोगों से मिले, हम उसकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण आज की पहली आवश्यकता बन पड़ी है। स्वयं सहायता समूह के गठन ने ग्रामीण महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया है, उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर अपना रोजगार प्रारंभ कराने का अवसर दिया है। ये देखने में आता है कि हमारी महिलाएं घर के सभी कार्यों को संभालते हुए, यहाँ तक कि कृषि के कार्यों में भी पूरी तरीके से अपने कृषक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं खान पान की, पोषण की, तो प्रायः ये देखने में आता है कि वो कृषक महिला जो कि इतनी मेहनत से काम कर रही है या कृषक इतनी मेहनत से कार्य कर रहा है, वह खुद ही कुपोषण का शिकार है।
तो उसको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है कि हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, उनके शरीर में क्या आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं हम अपनी महिलाओं को इस सभी के बारे में बताएं ताकि हमारी महिलाएं जागरूक हों और अच्छे स्वास्थ्य होगा तो अच्छा उत्पादन भी होगा, कार्य भी बढ़िया तरीके से होगा। साथ में ये देखा है जैसे कृषि उत्पाद घर में आया, चाहे फल फूल हो चाहे आपका अन्न हो, तो इन सभी का रखरखाव भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको हम महिलाओं को पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, शरबत और तरह तरह के और उत्पाद बनाने की सिखाने की भी कोशिश करते हैं ताकि ये मौसम के साथ साथ बेमौसम में भी मौजूद रहे और इसकी उपलब्धता साल भर रहे, ताकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और तरह तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो, वो हमारे महिलाओं में, बच्चों में, जो युवतियां हैं, युवक हैं, उनके शरीर में पहुंचे और कुपोषण की समस्या से निजात पा सके, ताकि वो अपना पोटेंशियल, जो भी उनका शारीरिक में पोटेंशियल है, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और हमारे देश के अल्टीमेटली जो है देश के विकास में भी सहायक हो सकें। इसके साथ साथ हम अपनी महिलाओं को जो जैसे कढ़ाई है, सिलाई है, इसका भी प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। जो हमारी रूरल युवतियाँ हैं, जो कहते हैं ग्रामीण युवतियाँ हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स का हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10th के बाद, 8th के बाद जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम समय समय पर उनके लिए 7 दिवसीय, 8 दिवसीय, 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। जैसे आपके कढ़ाई का प्रशिक्षण है, उसमें अपने जो हमारे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हैं, कढ़ाइयाँ हैं, सिलाई है, उसका प्रशिक्षित करने का कोशिश करते हैं ताकि महिलाएं इस कौशल में निपुण होकर इसको अपनी आमदनी का जरिया बना सकें। कहते हैं कि दो बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, ऐसा गांव में भी होता है। विचारधाराएं टकराती हैं और योजनाएं लागू नहीं हो पाती, मगर प्रशासनिक अधिकारी सही सलाह देकर रास्ता निकाल ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान अक्सर किसानों से जब बात होती है तो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि हमें योजनाओं की जानकारी कम मिल पाती है और हम जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के शासकीय विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल और समन्वय बने ताकि किसान को अधिक से अधिक फायदा मिल सके और योजनाओं की उपलब्धता, जानकारी उन्हें उनके स्तर पर, उनके लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल सके। जहाँ तक विभिन्न विभागों का सवाल है, गन्ना विभाग, कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी विभागों के मध्य आपसी तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे ग्रामीण जनता को उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम में ही इन योजनाओं की जानकारी मिल सके और उन्हें उसका लाभ मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्रों को और अधिक कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा ई कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, जिससे कृषि तकनीक एवं शोध परिणामों को किसानों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा। हम आपको एक बात बता दें कि रातें कितनी ढल चुकी ये सितारों से पूछो, लहरें कितनी मिट चुकी ये किनारों से पूछो, और पानी कितना बह चुका ये नदियों से पूछो, और टेक्नोलॉजी क्या क्या निकल चुकी ये केवी कैसे पूछो। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। इसी के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ढेरों नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशु धन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक मर
तक हर पथ पर है मित्र कृषक की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की।